है खास हर अंदाज। सरदार जो किसी ने ब्रजेश पांडे की तरफ कदम भी बढ़ाया तो सबकी जान जाएगी। और शौकत मियां आप भी अपने ही हाथों से अपनी बेटी को बेवा करने से हम नहीं कतराएंगे, समझ गए आप? अगर दो दो बीवियों के साथ रहना है तो ऐसा कुछ चक्कर चलाना होगा कि ये दोनों हमरे पीछे नाचती भागती रहे। एकलू के बापू ये आरती ले लो। अरे मोरे गंगा मैया, एकलू तुम्हारे बापू कहाँ गए? चाची, हमारे चाचा कहीं फिर से भाग तो नहीं गए? मिसेज पांडे वो है, ये उनके लिए। इट्स पॉजिटिव। व्हाट्स पॉजिटिव? इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। बीबी, तुम फिर से डैड बनने वाले हो? 2 महीने पहले जो हुआ उस रात की वजह से मैं प्रेग्नेंट। अरे मारे गंगा भैया! हम सोचे हैं कि सारी दुनिया त्याग के हम हरिद्वार चले जाएंगे। पिताजी ठीक हो गए? क्या? What? आप खुद इरा जी को ये अस्पताल में वापस लेकर आएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो लानत है हमारे प्रेम पर। यू इरा जी का सपना भी साकार नहीं कर सकता। क्या है ये वर्जिन मोहितो? इगो मोहितो है। अब देखना कैसे मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को पल दे तुम्हारे खिलाफ कर दे। शर्म नहीं आई तुम्हें एक नन्ही सी जान का मर्डर करते हुए? आपको इंटर्नशिप वापस रख रहा हूँ, लेकिन आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अरे कोनो बात नहीं डॉक्टर साहब, इरा जी आपकी कोई भी परीक्षा में पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो टेस्ट पेपर मैं खुद सेट करूंगा। आज आपके लिए एक छोटी सी गोद भराई की रस्म रखी है हमने। मुझे नहीं लगता डॉक्टर चौकसी ना मुझे वापस आने देंगे। अरे मजाल है वो डॉक्टर चौकसी की कि आपका अस्पताल आने से रोके। हम भी देखते हैं कि आपको डॉक्टर बनने से अब कौन रोकता है। अभी झूठ का पर्दा तो हमका पास करना ही हो। ये ब्रजेश पांडे का घर है ना? जी। देखिए पिछले 6 महीने से ब्रजेश पांडे दुबई में थे। अरे मोरे गंगा मैया, पिछले 6 महीनों से गुलू के बाप दुबई में थे? लेकिन अगर हमारे बिरजू चाचा 6 महीने पहले दुबई में थे तो पर कड़ी चाची 2 महीने पहले कौन चाचा से मिली थी रे? Excuse me. इस तरह सिंदूर का गिरना अच्छा शगुन नहीं होता। मेरा मन बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा हो। 15 साल पहले पुष्पा ने जो वचन दिया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। जो भी मांगूंगा पुष्पा को वो देना पड़ेगा। अखिलेश की केस स्टडी US भेजी थी, अभी अभी उन डॉक्टर्स का रिप्लाई आया है कि अखिलेश के रिवर्सल के चांसेस ना के बराबर। सब आपकी उस शर्त के वजह से हुआ है, वही शर्त कि आप अपनी पूरी की पूरी जायदाद अपने पहले पोते या पोती के नाम पर कर दोगे। 15 साल पहले जो तुम हमको वचन दी थी उसको पूरा करने का समय आ गया है। कहीं हम आपको कहा दे सकते हैं? अखिलेश, अखिलेश हमको दे दो बिटिया, हम अखिलेश को लेने आए हैं। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, ये भगवान के लिए कोई और उपाय सुझाइए। ठीक है, हम कहूँ वापस कर दो जो हम तुम्हारी अम्मा को दिए थे। हुका है बाबा? तुम्हारी जान। सुगंधिन पुष्टि वर्धना पूर्वा रुक्मी वंदना
मृत्युर्मोक्षी मांगता वो त्रिंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन गुरुवार रुक्मी वंदना देख लिया त्रिनेत्री बंगारू का प्रकोप पुष्पा, वचन का मान तुमने नहीं रखा और सजा तुम्हारे बच्चे को भुगतनी पड़ी। इतने कठोर कैसे हो सकते हो आप पापा, जो बच्चे को आप खुद जीवन दान दिए हो उसी के साथ ऐसे अन्याय कैसे कर सकते हो आप? हम आपसे कहते ना, चाहे तो हमारी जान ले लो, लेकिन हमारी दुल्हन के माथे का सिंदूर मिटाने के लिए मुरली मनोहर आपको कभी माफ नहीं करेगा। कभी नहीं, हिम्मत रखो पुष्पा, वरना अपने बच्चे की लाश कैसे देख पाओगी? त्रिनेत्री नाग के डसने से तो बेचारा नीला पड़ गया होगा। ए बच्चे, पिटारा खोल के लाश बाहर निकालो। बेटे, हम गलत अखिलेश बेटा की कुंडली के अनुसार उसका बाल योग प्रारंभ होने जा रहा है। गुलू बहुत जल्दी बापू बनेगा। अवश्य पुष्पा बहन। अब हमारा केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अखिलेश पांडे को प्राप्त करना। जाओ अखिलेश पांडे को ले गया। तो तुम चेंज कर लो, मैं टोर मैनेजर से बात कर लेता हूँ। विधि, कितना टाइम लगेगा? उस वीडियो में मैं नहीं थी। मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बताऊं, वो वीडियो एक धोखा और फरेब था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक ही नहीं पाती, और तब भी जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कब बोला? मैंने कब बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? गोपी का रूप धरे कांगा टकराती हैं स्वयं की माता यशोदा तथा पिता नंद से। कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी वृंदावन में देखा नहीं, किसकी पुत्री हो तुम? तथा अपने अनुज कान्हा के मुख से बहन शब्द सुन अचंभित एकांगा घेरती है कान्हा को अपनी असुरी शक्तियों में। मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। एक बात बताओ, शादी के बाद तुम लोग तो गांव चले जाओगे ना? फिर गांव ही जाएंगे, और कहां जाएंगे बबूती जी, आप भी यार। नहीं नहीं, हम गांव क्यों जाएंगे, हम तो यहीं कानपुर में और इसी घर में रहेंगे।